देखिए सर्कुलर मोशन, क्या सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर घूमना शुरुआत करें या टेढ़ा मेढ़ा पाथ भर भी चले तो सर्कुलर मोशन का ही एग्जाम्पल होगा। टेढ़ा मेढ़ा पाथ मतलब क्या, किसी तरह का टेढ़ा मेढ़ा, रोड पर आप जा रहे हैं टेढ़ा मेढ़ा वो भी, या वर्टिकल में भी टेढ़ा हो रहा है जिग जैग तो भी सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल होगा। यानी कहने का मतलब आप रोड पर जा रहे हैं कहीं टर्न लीजिए, ये भी सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। रोड पर जा रहे हैं ब्रेकर है तो ब्रेकर पर जैसे ही आपका साइकिल का चक्का चढ़ा ये भी सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। यानी सर्कुलर मोशन का मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ आपको क्या करना है सर्कुलर पाथ पर घूमना है वही सर्कुलर मोशन नहीं है, सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल ये सभी है आपको, ठीक है। यानी कि सर्कुलर मोशन जो है हमारे लाइफ में डेली यूज में आता है, आप सर्कुलर मोशन में कभी ना कभी जरूर आते हैं, ऐसा नहीं कि सीधा पाथ पर ही चलते हैं आप, है ना, साइकिल चला रहे हैं रोड पर टर्न लिए, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन, है ना। सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में अंतर होता है लेकिन सम टाइम फार्मूला जो दोनों का एक ही लग जाता है। जैसे पंखा ऊपर जो नाच रहा है ये सर्कुलर मोशन नहीं है, ये रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल है। गोलंबर के चारों तरफ आप साइकिल चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, फोर व्हीलर चला रहे हैं, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन, ये क्या है आपका सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं सर्कुलर मोशन में, है ना, ऐसा नहीं कि कोई एक दो एग्जाम्पल। 1606 से कौन ज्वाइन किए हैं, नाम से ज्वाइन कीजिए ना तब ना हमको पता चलेगा कि आपको, नहीं तो हम पुकारेंगे 1606, समझ में आ गया, है ना। 1606 से ये सबसे मत ज्वाइन कीजिए, है ना, नाम बदल लीजिए, आ नहीं तो हम यहाँ से आपको पुट कर देंगे जहाँ वेटिंग लिस्ट में ना, तो ना काट पाइएगा ना जुड़ पाइएगा। देखिए सर्कुलर मोशन, ठीक है, तो सर्कुलर मोशन हमारे लाइफ का एकदम इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्या है इम्पोर्टेंट पार्ट है सर्कुलर मोशन के, चल बिना कोई काम हो ही नहीं सकता है, इस बात को आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। यानी सर्कुलर मोशन डेली लाइफ का यूज है, तो सर्कुलर मोशन में कुछ टर्म है, उस टर्म को पहले देख लेते हैं उसके बाद की बात करते हैं सर्कुलर मोशन में फिर क्या है। जैसे सर्कुलर मोशन में आपका एक टर्म आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे लिनियर डिस्प्लेसमेंट होता था उसी तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग थीटा से क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका रेडियन यूनिट होता है इसीलिए थीटा रेडियन लिख सकते हैं, है ना, थीटा रेडियन, यानी कि एस यूनिट क्या होता है रेडियन होता है। लेकिन एक बात आपको पता होना चाहिए कि वन रेवोल्यूशन या वन रोटेशन इक्वल टू 360 डिग्री होता है एंगल डिग्री, या 2π रेडियन होता है, क्या होता है ट्वाइस पाई रेडियन होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये सब कन्वर्शन याद होना चाहिए सर्कुलर मोशन में कभी भी जाएगा। तो जिस तरह से हम लोग लिनियर में डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं उसी तरह से एंगुलर में भी डिस्प्लेसमेंट की बात होता है, किसमें एंगुलर में भी बात होता है। तो दूसरा टर्म है एंगुलर वेलोसिटी, क्या है एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या ओमेगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी सिंपल सा डिफिनेशन का लिखिएगा तो ये लिखिएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। तब तो ओमेगा इक्वल टू लिख सकते हैं आप
डी थीटा बाई डी टी, क्या डी थीटा बाई डी टी। और अगर थोड़ा बहुत मैथ आता ही है आपको तो डी थीटा वाला लिख सकते हैं ओमेगा इंटू डी टी, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसलिए थीटा इक्वल टू हो सकता है इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा इंटू डी टी, मतलब फार्मूला को पलट के उलट के इधर से उधर से आपको याद रखना पड़ेगा, बस इतना ही समझ लीजिए, ठीक है। अब उसी तरह से एक टर्म होगा इसमें फिर से एंगुलर एक्सिलरेशन, एंगुलर एक्सिलरेशन, एंगुलर एक्सिलरेशन यानी अल्फा, इसको डिफाइन करते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। कौन वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज को हम लोग क्या कहते हैं? एंगुलर एक्सीलरेशन। तो अल्फा बराबर होगा डी ओमेगा बाई डी टी, या इसी को लिख सकते हैं डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, वही बात लिख रहे हैं क्योंकि ये डबल डिफरेंशिएशन में लिखा गया है। हम लोग ओमेगा के बदले डी थीटा बाई डी टी यहाँ पर पुट किए हैं, तो लिखने का ये तरीका है डबल डिफरेंशिएशन। इसी को ऑल्सो करके डी ओमेगा इक्वल टू अल्फा इंटू डी टी लिख सकते हैं, इसलिए ओमेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा इंटू डी टी होगा। यानी पीछे जो काइनेमेटिक्स पढ़े हैं उसका आप यूज समझ सकते हैं यहाँ पर, यानी इंटीग्रेशन वगैरह आना चाहिए। तो बात समझ चुके होंगे, जिस तरह से हम लोग सीधी रेखा में जब चलते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आता है, वेलोसिटी आता है लिनियर वेलोसिटी, और एसेलरेशन त्वरण आता है। उसी तरह से जब सर्कुलर मोशन में चलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट एक चक्कर के बाद 360 डिग्री होगा, दो चक्कर के बाद 720 डिग्री होगा, या रेडियन में लिखिएगा तो एक चक्कर के बाद 2 पाई रेडियन होगा, दो चक्कर के बाद 4 पाई रेडियन होगा, एन चक्कर के बाद एन पाई रेडियन होगा। और जिस तरह से वेलोसिटी होता है उसी तरह से यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी भी होता है। क्या होता है आपका? एंगुलर वेलोसिटी होता है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? वहां पर होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर अति डिस्प्लेसमेंट, यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर अति एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तब तो इसका अगर एस आई लिखिएगा, इसका वेलोसिटी एस आई यूनिट ऑफ ओमेगा इज रेडियन पर सेकेंड, इसका एस आई ओमेगा क्या होगा? रेडियन पर सेकेंड होगा। और तब तो इसका जब लिखिएगा तो एस आई यूनिट ऑफ अल्फा इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। इसमें अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए हमको, और फिलहाल सर, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ बोलिए, क्वेश्चन बोलिए जल्दी से। ये डी ओमेगा बाई डी टी का वो क्या लिखे हैं? डी ओमेगा बाई डी टी के बाद एंगुलर डी एक्सीलरेशन, स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, ये ठीक है सर। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये लर्न रखना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। देखिए पहले टर्म को समझते हैं फिर सर्कुलर मोशन को समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है सर्कुलर मोशन आपका। सर्कुलर मोशन है ना, चक्कर है ना, चक्कर कभी किसी का लगाए हैं कि नहीं आप लोग? हाँ, वही सर्कुलर मोशन है, बार बार किसी का चक्कर लगाना। और चक्कर लगाना अगर नहीं समझते हैं तो समझा देंगे हम तुरंत, बशर्ते कि ये काम करना है। आपके पास जितना 10-20 लाख रुपया है हमको दे दीजिए, और देखिए उसका तो मेरा चक्कर कितना मारते हैं आप, है ना, पर डे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, है ना, चक्कर लगाते रह जाइएगा। वही बात है, तो चक्कर की बात कर रहे हैं, है ना। तो अब देखिए कुछ और भी टर्म, बात को समझने की कोशिश की है। देखिए बेसिक टर्म को जब तक नहीं समझेंगे तब तक क्वेश्चन बनाने में मजा नहीं आएगा,
आपका कंसेप्ट ही नहीं काम करेगा कि क्या हो रहा है और नहीं हो रहा है। इसलिए आपको हर हाल में बेसिक कंसेप्ट को पहले समझना पड़ेगा। देखिए यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या क्या हो सकता है उसको देखिए, है ना। तो एक होता है, नोट पॉइंट में ही सब चल रहा है, आरपीएम। आरपीएम का पूरा नाम होता है रिवोल्यूशन या रोटेशन पर मिनट, रिवोल्यूशन या रोटेशन, रोटेशन पर मिनट इसको कहते हैं आरपीएम को, आरपीएम पूरा नाम। और आरपीएम कहाँ लिखा रहता है, आपके गड्डी में यानी आपके गाड़ी में, गाड़ी का जो इंजन चलता है, चक्का घूमता है, उसका आरपीएम होता है ना। आरपीएम का भी मीटर लगा रहता है, देखिएगा बाइक उसमें, अच्छा अच्छा बाइक में। तो 1 RPM बराबर होगा, रिवोल्यूशन पर मिनट बराबर होगा ट्वाइस पाई, एक रिवोल्यूशन में एक चक्कर में 2 पाई रेडियन होता है, और एक मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो दिस इज द कन्वर्सन फैक्टर। 1 RPM को अगर कन्वर्ट करना हो तो 2π/60 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। डेली ध्यान से, यानी कि आपको अगर 1500 RPM क्वेश्चन में दे दें तो 1500 × 2π/60 रेडियन पर सेकेंड, जब तक गुना भाग नहीं करेंगे तब तक आपका आंसर नहीं आने वाला है। आए बात समझ में, तब तक आपका आंसर नहीं आने वाला है, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। इसी तरह से कहीं लिखा रहता है आरपीएस भी लगता रहता है, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, रिवोल्यूशन पर सेकेंड भी लिखा रहता है। और आपको तो अब तो पता ऐसा ही चल गया कि 1 RPS बराबर 2π रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा, ऐसा यूनिट में बदलिएगा। तो ये सब कन्वर्सन हर हाल में आपके दिमाग में होना चाहिए। क्वेश्चन देगा आरपीएम में, बनाना है क्वेश्चन ऐसा यूनिट में, यानी कि कुछ चीजें तो डेली लर्न करनी पड़ेगी, उसमें कोई आपको कोताही नहीं बरतना पड़ेगा, समझ लीजिए। आप जानते हैं हम लिनियर मोशन में और सर्कुलर मोशन में रिलेशन समझाना चाहते हैं, वो भी ट्रिक मेथड से। ट्रिक मेथड समझते हैं ना, शॉर्टकट मेथड जिसको कहते हैं, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाना चाहते हैं। और आप जो है ना बहुत पहले समझने की कोशिश किए थे लेकिन उस बात को समझ नहीं पाए हैं, इसलिए एक शॉर्टकट मेथड बताते हैं फॉर्मूला का। देखिएगा ध्यान से समझ लीजिएगा क्या हो रहा है। जो देखिए, सबसे पहले हम लोग एक सर्किल में आते हैं। आप लोग बताइए सर्किल के बारे में कब पढ़ना चालू किए हैं, 8 में 9 में 6 में 7 में कब किए हैं, बोलिए जल्दी से, बोलिए जल्दी से आप लोग, कोई तो बोलिए। 7 5 क्लास में सर, 6 सर, 6 4 में। चलिए तब 4 वाले जरा बोलिएगा जो ध्यान से आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है सर, एनसी से। ठीक है सर, जन्म लिए तो उसी वक्त। ठीक है सत्यम माए, आपके पापा लगते हैं टीचर हैं, इसीलिए आपको जन्म लेते ही पढ़ा दिए थे सर्किल, है ना, गोल गोल चक्कर मारने वाला। वेरी गुड, हम एगो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जरा बताइएगा सत्यम माए, है ना, क्या ये एंगल थीटा है, क्या है एंगल थीटा है, ये रेडियस इसको कहते हैं। और सत्यम माही जी आप बतलाइए कि यहाँ से ये वाला जो दूरी है ना, इसको किस नाम से पुकारते हैं, ये क्या कहलाता है। नहीं बोले सर, हम नहीं बोले सर, सर आर्क सर, बोलते हैं आर्क सर, आर्क बोलते हैं, नहीं सर माइनर आर्क। हाँ यस सर, माइनर आर्क। अच्छा ठीक है, माइनर और मेजर है ना, हम आर्क की बात कर रहे हैं। तो ये रेडियस है, ये आर्क है, और ये एंगल थीटा है ना। तो किनसे पूछें, नाम तो दिख रहा है बहुत सारा, अच्छा अंदाजे किसी एक से पूछ लेते हैं, है ना।
एक तो बड़ा अजीब नाम से सेव बॉय, अपने आप को अनसेव कीजिए, जल्दी से आप ओपन कीजिए। हाँ यस यस सर। आप लोग का अच्छा से नाम नहीं है, सेव बॉय क्यों नाम रखते हैं? नहीं वो सर मैथ वाला क्लास में बहुत सारा शुभम है जिसका। अच्छा तो शुभम 1 2 3 4 कर लीजिए आप, शुभ मेरे क्लास में से नहीं रखिए। आप बच्चे थीटा रेडियस और आर्क में कोई रिलेशन पढ़े हैं अभी तक? संबंध नहीं। बोलिए जल्दी से, नहीं पढ़े हैं? झूठ मत बोलिए। नहीं सर पढ़े होंगे। चलिए और कोई नहीं बोलेंगे। साक्षी शर्मा आप बोलिए, बोलिए जल्दी से। आपका भी बात रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पर सुन लीजिएगा बाद में। जो गलती गलती बोलते हैं ना सब रिकॉर्ड में डाल देते हैं, इसलिए ज्यादा वो बोले हैं कि सर बचपन से आप सुन लीजिएगा, जब आज डालेंगे ना 2 घंटा बाद तब देख लीजिएगा जाके। आप बोले हैं ना कि बचपन में ही सब सीख लिए, वो भी रिकॉर्डिंग में रहेगा सब, जो आप बोलते हैं सब रिकॉर्ड में रहता है, बस इतना ही याद रखिएगा। हाँ चलिए साक्षी जी बोलिए तो। यस बोलिए फॉर्मूला। कितने लोग बोल सकते हैं? दिल खुश सर हम बोलिए सर। थीटा इज इक्वल टू क्वाड थीटा। हाँ मतलब कि थीटा इक्वल टू एल बाई आर पढ़े होंगे आप लोग फॉर्मूला है, वो बहुत सिंपल फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कौन क्लास में पढ़ा है? 10th क्लास में शायद पढ़ना था। नहीं थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, लेकिन याद कीजिए थीटा यहाँ डिग्री में यूज करेंगे कि रेडियन में भी, कुछ में भी? बोलिए जल्दी से। रेडियन में सर, रेडियन ओनली, रेडियन ओनली, रेडियन नेवर डिग्री, ओनली रेडियन में यूज करेंगे तब ये फॉर्मूला लागू होगा। और आपको पता है सर्कुलर मोशन की उत्पत्ति आने की, देख लीजिए कैसे कैसे हुआ है। आप इसी सर्कुलर पाथ पर चल रहे हैं तो ये जो डिस्टेंस है ना ये एल है, और इसी को कहते हैं लिनियर डिस्प्लेसमेंट। लिनियर डिस्प्लेसमेंट या लिनियर डिस्टेंस यही है, और एंगल में डिस्प्लेसमेंट यही है, रेडियस कांस्टेंट है। बात को समझने की कोशिश कीजिए, जब सर्कुलर मोशन में आप चलने लगते हैं तो सर्कुलर मोशन में याद कीजिए कि आप जैसे ही ये चलने लगे तो लिनियर डिस्टेंस का काम किया ये, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का काम किया, यानी ये लिनियर ये एंगुलर, और रेडियस तो कहीं पर रहिए आपका वो कांस्टेंट है, यानी एल बराबर आर थीटा फार्मूला के अनुसार। यानी बात समझ लीजिए कि क्या करना है जो, ठीक है? तो आप लिख सकते हैं यहां पर आर इक्वल टू आर इंटू थीटा। अब जरा गौर से समझिएगा, यहां पर अच्छे तरह से समझिएगा तब बात जल्दी समझ में आएगी। यहाँ पर डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कीजिए। सही हो गया, डी एल बाई डी टी, और आर कांस्टेंट है। अभी अभी पढ़े थे कि आप अगर इस सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं तो एंगल बदलेगा, आपका लेंथ बदलेगा, ये बदलेगा ये बदलेगा, आर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन है, वो कांस्टेंट का जीरो नहीं होगा, यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। और डीएल बाई डी टी वेलोसिटी हो जाता है, ये बात याद कर लीजिए, और ये आर ओमेगा हो जाता है, ये भी बात याद कर लीजिए। यानी कि याद कर लीजिए लिनियर और रोटेशन में संबंध स्थापित हो रहा है, दोनों में क्या रिलेशन है ये पता चल रहा है, ये शॉर्टकट मेथड है। फर्दर इसको एक बार और अगर डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, किसको इसको एक बार और फिर से डिफरेंशिएट कीजिएगा, नाउ फिर से अगर आप लिखिएगा तो डी वी बाई डी टी हो जाएगा इक्वल टू आर डी ओमेगा बाई डी टी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा फर्दर डिफरेंशिएट कीजिएगा तो डी वी बाई डी टी ए हो गया इक्वल टू आर अल्फा हो गया। बात को समझिए, टर्म को मिलाइए, देखिए फॉर्मूला का खजाना है, और अफसोस मत कीजिए पढ़ते रहिए। बहुत लोग अफसोसे करते रह जाते हैं, सिर्फ सोचते रह जाते हैं कि कल पढ़ लेंगे परसों पढ़ लेंगे, पता चला कि 2 साल पार कर गया कुछ नहीं पढ़े हैं। और आप ही का दोस्त इतना पढ़ लिया 2 साल में
कि बहुत आगे हो गया। देखिए यहाँ पर छप्पर फाड़ के मिलेगा जब मन से पढ़िएगा तो, लेकिन जब मिलेगा ना तो पता भी नहीं चलेगा कि कितना मिल गया। तो ए इक्वल टू आर अल्फा हो गया। लेकिन एगो बात समझिए, ये जो फॉर्मूला आया ना भी इक्वल टू आर ओमेगा, इस पर अनेकों बार जेईमेन 19-20 में, ज्यादा पहले नहीं, नीट 3-4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है भी इक्वल टू आर ओमेगा पर। लेकिन जानते हैं कैसे? वेक्टर फॉर्म में। इसमें वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म का कुछ अलग नजारा होता है। तो देखिए उस नजारा को दिखाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। वेक्टर फॉर्म में जो नजारा होता है, उस नजारे की अगर बात कीजिएगा तो यहाँ पर एल बराबर जो होगा वो थीटा अक्रॉस आर होगा, याद कीजिए। और भी इक्वल टू जो होगा ओमेगा क्रॉस आर होगा, फॉर्मूला याद कीजिएगा। और ए इक्वल टू होगा क्या? अल्फा क्रॉस आर होगा। इस बात को याद कर लीजिएगा, वेक्टर फॉर्म में ये सारा फॉर्मूला यूज होगा। यानी कि और वेक्टर का एक बड़ा खासियत जानते क्या है, कि अगर यदि आप इसको इधर करके गुना भाग करेंगे तो साइन में निगेटिव आ जाएगा, जो कि गलत होता है। इसीलिए वेक्टर में कहा जाता है ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस ए के बराबर कभी नहीं हो सकता है, याद कर लीजिए। यानी 2×3=3×2 वेक्टर फॉर्म में नहीं होता, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसीलिए फॉर्मूला वेक्टर में जैसा हम लिखे वैसे ही याद रखना है, उसमें आगे पीछे कर दीजिएगा तो आपका आंसर आगे पीछे हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया? ये है छोटा छोटा टर्मिनोलॉजी और जिसका रिलेशन, जिसको आपको कभी भी सर्कुलर मोशन में मैं यूज कर सकता हूँ। बात समझ लीजिए, कभी भी सर्कुलर मोशन में यूज कर सकते हैं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए हर हाल में। तो जरा इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ऑनलाइन में पूरे जोश और जुनून के साथ पढ़ाया जाएगा, और आपको भी जोश और जुनून के साथ पढ़ना है, क्योंकि गर्दा छोड़ा देना है कंपटीशन एग्जाम में। बस इतने ही याद रखिए, हम 3-4 महीना में पूरा सिलेबस समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऑफलाइन अगर खुल गया तो फिर से एक बार सिलेबस पूरा समाप्त होगा, है ना। इतना बार पढ़ाएंगे कि आपको ऐसे ही सब याद करवा देंगे। रिजल्ट के लिए सबसे पहले पूरा सिलेबस समाप्त होना चाहिए, पूरा सिलेबस का कंसेप्ट याद होना चाहिए। हाँ बोलिए, नीतीश कुमार कुछ बोल रहे थे आप? सर ऐसे ही याद करा दीजिएगा। हाँ हाँ याद करवा देंगे, आप याद कीजिएगा तो जरूर याद करवा देंगे, नहीं याद कीजिएगा तो याद नहीं करवाएंगे। ना ना ऑफलाइन खुल गया तो? ऑफलाइन नहीं, ऑन ही लाइन में करवा देंगे। आप देखिए ना, आपको ऑफलाइन के जैसा एकदम अनुभव होगा। आप पूछ रहे हैं तो हम नहीं बता रहे हैं, ऑनलाइन में भी ऐसा ही पूछ रहे थे, ऑफलाइन में भी ऐसा ही है, ठीक है, कोई अंतर? हाँ बोलिए। A is equal to R alpha है, तो A का वैल्यू क्या है? अंशु कुमारी बोलिए जल्दी से। हेलो, हाँ बोलिए ना। सर कह रहे कि A is equal to R alpha है, तो यहाँ पे A का वैल्यू क्या है? A acceleration है linear, और अल्फा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन है। मैं टर्म सारा लिख देता हूँ, आप लोगों को कंफ्यूजन है तो रुकिए, एक मिनट रुक जाइएगा। L जो है आपका यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है। ए भी जो है लीनियर वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, और ए जो है लीनियर एक्सेलरेशन है। जो एक्सेलरेशन आप पढ़ते आ रहे थे ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो है। और अल्फा वाला बात तो अभी सब लिखे थे, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और अल्फा है जो एंगुलर एक्सेलरेशन है। यानी दोनों में संबंध है, जब सर्कुलर मोशन में चलिएगा तो दोनों चीजों का इफेक्ट होगा, रोटेशन में जब चलिएगा तो भी दोनों चीजों का इफेक्ट होगा। इस बात को समझ लीजिए, पंखा आप बैठे हुए जहां ऊपर छत पर पंखा चल रहा है, देखिए जल्दी छत पर, मतलब ऊपर सीलिंग में सर चल रहा है ना, तो पंखा के एकदम बीचों बीच उंगली हटाइए तो कुछ नहीं होगा। पंखा घूम रहा है सर,
घूम रहा है ना पंखा, तो पंखा घूम रहा है तो उसका जो मोटा सा धड़ है उसके बीच में सटाई उंगली कुछ नहीं होगा, और साइड वाला जरा सटा के देखिए क्या होगा, मजा आ जाएगा कि नहीं? हाँ, तो क्यों मजा आ जाएगा? क्योंकि सर्कुलर मोशन में जब ये पंखा चल रहा है, ये पंखा ऐसे घूम रहा है, इसका डायना ऐसे है, तो यहाँ से सर्कुलर मोशन। आप बताइए सर्कुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में ये हर एक पॉइंट का ओमेगा सेम है, ओमेगा हर एक पॉइंट का सेम है, ओमेगा हर एक पॉइंट का सेम है, लेकिन भी इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना। तो जैसे जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस बढ़ाइएगा लीनियर वेलोसिटी का इफेक्ट बढ़ जाएगा, यानी यहां पर उंगली सटाए पंखा के डायना बीच में यहां पर, तो आपको आर जीरो हो गया, इसलिए वेलोसिटी नहीं पता चला, सटा दिए भी तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे दूर में सटाइएगा, एकदम लास्ट में सटाइए थोड़ा सा हाथ, उसके बाद देखिए आपको बता देगा कि हम कितना ताकतवर हैं, है ना। तो दोनों का इफेक्ट बताता है, लिनियर और रोटेशनल में इफेक्ट बताता है, कहता है कि रोटेशनल इफेक्ट सब जगह सेम होगा, लेकिन जैसे जैसे ये आर बढ़ाइएगा ना तो ये वाला इफेक्ट बढ़ जाएगा। बस सोच लीजिए, आप जो है ओमेगा कोई चीज अगर घूम रहा है या नाच रहा है या चल रहा है तो सारे एक पॉइंट का सेम होगा। आप याद कीजिए जो ये पंखा चल रहा है, ध्यान से समझने कोशिश कीजिए, फेनोमेना की बात कीजिए। देखिए मैं फिर से बनाता हूँ, टेंशन मत लीजिए, जो भी कंफ्यूजन है बोलिए। देखिए फिजिक्स जो है ना, डेली आप यूज करते हैं फिजिक्स का, बस इतना सोचिए, सुते से उठते समय जागते समय अभी भी हम फिजिक्स का यूज कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो मेरा जो मुंह है जो ऊपर नीचे हो रहा है, बताइए कौन सा मोशन है ये, बोलिए जल्दी से। बोलते हैं ना तो मुंह ऊपर नीचे नहीं होता है, देखिए कौन सा मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, हाँ लिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन वही रोटेशनल वाला है, ये वो हाथ कैसे ऐसे हो रहा है, ये देखिए ये हाथ जो घुमाते हैं क्या है, सर्कुलर मोशन है, सब रोटेशनल सर्कुलर मोशन में आता है, लिनियर मोशन में तो हो ही नहीं सकता आपका हाथ, क्या हाथ ऐसे कीजिए तो हाथ लंबा होते होते तो दूसरे रूम में चला जाएगा, नहीं रोटेट करता है सारा सिस्टम, है ना। तो सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन के बिना तो आपका लाइफ ही अधूरा है, उठते हैं मुंडी ऐसे करते हैं, हाँ बोलिए। अभी आपका वो जो हेड है मूवमेंट कर रहा है उसको कौन सा मोशन, हाँ तो ये रोटेशनल मोशन की बात है, रोटेशनल, सुबह उठ के ऐसे ऐसे करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हाथ घुमाते हैं, सब रोटेशनल है ना। अभी आप पढ़ा लो, बोलिए बोलिए जल्दी से, अभी आप जो पढ़ा रहे हैं उसमें कौन सा मोशन हो रहा है आपका हेड का, सर्कुलर रोटेशनल, यही पंखा का डायना है आपका जो नाच रहा है, यही पंखा है आपका, हम तीन डायना के बदले एक डायना वाला पंखा बना दिए हैं। देखिए जैसे ही आप यहाँ पर छुएंगे तो आर का वैल्यू जीरो हो जाएगा इस पोजीशन के लिए, तो भी बराबर भी जीरो हो जाएगा, लेकिन जैसे ही यहाँ छुएंगे तो भी बराबर आर का कुछ वैल्यू आएगा, ये आर वन लिख लीजिए, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी जानते क्या होगा, आर वन गुने ओमेगा होगा, और जैसे ही आप यहाँ चलिएगा आर टू तो यहाँ लिनियर वेलोसिटी भी टू बराबर जो होगा या भी बराबर आर टू गुने ओमेगा होगा, ओमेगा हर एक पॉइंट का सेम है। आप बताइए पंखा के डायना को ध्यान से देखिए, क्या पंखी जो है जस्ट यहाँ वाला दो चक्कर मारता है तो बाद वाला एक ही चक्कर मारता है, एंगुलर वाला सब सेम रहता है, सब सेम रहता है, सब सेम रहता है, बट लिनियर वाला बदलते चला जाता है, इसीलिए सब में आर आया था रेडियस, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, हर हाल में ऐसे घूम रहा है, इसीलिए रेडियस की बात कर रहा था। और इसका सारांश जो शुरुआत हुआ था पढ़ाई का मैथ में, लेकिन मैथ वाले सर उसमें एग्जाम्पल बतेवे नहीं किया, आपको सीधा क्या कह दिया, थीटा इक्वल टू एल वाई आर, कहानी खत्म, याद कर लो बबुआ। तो याद सिर्फ करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको बात को समझना पड़ेगा ही हर हाल में, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो ये है सर्कुलर, हाँ बोलिए, रेडियस भी तो सेम ही रहेगा ना, एक पॉइंट का रेडियस, अगर यहाँ चले गए तो ये रेडियस अलग है, दूर चले गए रेडियस अलग होगा। आप बताइएगा गोलंबर कोई छोटा होता घूमने वाला, गांधी मैदान के चारों तरफ घूमिएगा तो रेडियस सेम रहेगा, नहीं। तो पंखा जब नाच रहा है तो आप खुद सोचिए ना, पंखा में ऊपर अगर कहीं एक पेन सटा दीजिए, कौन वाला, मेरे जैसा मार्कर वाला पेन,
एकदम पंखा के बीचों बीच, तो देखिएगा सर्किल छोटा बनेगा, पंखा से थोड़ा सा दूर उसी मोटा रॉड में सटाएगा तो देखिएगा सर्किल बड़ा बन जाएगा, फिर थोड़ा सा सर्किल बड़ा बन जाएगा। यानी कहने का मतलब समझ लीजिए बात को, कि सर्कुलर मोशन में रेडियस फिक्स होगा किसी एक पॉइंट के लिए ना, अगला पॉइंट के लिए रेडियस अलग होगा, अगला पॉइंट के लिए रेडियस अलग होगा, लेकिन ओमेगा सबका सेम होगा, एंगुलर वेलोसिटी सबका सेम होगा, तब जानते हैं कि क्या होगा, आपका इफेक्ट तो बदलेगा ही है। ये सब सेम रहेगा, एंगुलर वाला सब सेम होगा, ये बदलते जाएगा अलग अलग दूरी के लिए, तो आपका ये बदल जाएगा, यानी इफेक्ट बदलते चला जाएगा। आपको अभी बताएंगे, आगे बताएंगे, अभी रोटेशन पढ़ाएंगे तब ना। तो क्या कीजिए, यूट्यूब निकालिए, एकदम जो भाषा हम बोल रहे हैं वही भाषा तो वहां सेट है। कभी कभी आप लोग क्या क्या बोल देते हैं ना, वो भी रिकॉर्ड रहता है, अपना बात सुन के आपको हंसी आएगा। वो बोल दें सर जन्म से सीख के आए हैं, वो अपना आवाज सुनाइएगा अपने पापा मम्मी को, ठीक है, कि जन्म से सीख के आए हैं। बात कर रहे थे फोन पे, क्या चीज पे बात कर, फोन पे बात कर रहे थे, उसी में बोल रहे थे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है, अब माइक अनम्यूट म्यूट नहीं किए थे सर। अच्छा कोई बात नहीं है, ठीक है, तो आगे बात बढ़ाते हैं, है ना, सर्कुलर मोशन का, ठीक है। तो देखिए, बात अगर समझ सकते हैं बात को, तो समझने की कोशिश कीजिए अब क्या क्या हमको समझना है जो आगे अभी, ठीक है। सर्कुलर मोशन बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, इसको थोड़ा थोड़ा समझना पड़ता है। अभी जो सारा टर्म देख रहे थे उन सबका क्वेश्चन भी करवाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। मेनली सर्कुलर मोशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सर्कुलर मोशन को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। देखिए, अभी सिर्फ हम उस चीज की बात कर रहे हैं कि आप टर्म को समझिए, डेरिवेशन भी सबका है, डेरिवेशन भी देखेंगे, पहले नाम जानिए तब ना कि सर्कुलर मोशन में आखिर नाम क्या क्या होता है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यूनिफॉर्म एक समान, नॉन यूनिफॉर्म असमान, तो सर्कुलर मोशन भी दो तरह का होता है, एक यूनिफॉर्म होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म होता है, स्वाभाविक सी बात है सब जगह इस तरह से बात चलेगी। तो यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और एक तरफ होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। बात को अगर समझने की कोशिश करते हैं तो यहां से हम सीधा एक लाइन ऐसे खींच देते हैं, ठीक है, छोटा छोटा पॉइंट लिखेंगे, ज्यादा बड़ा पॉइंट हम लिखने की शौक नहीं रखते हैं। देखिए, सबसे पहले एक पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पर नचाएंगे, क्या करेंगे, सर्कुलर पाथ पर नचाएंगे। जब सर्कुलर पाथ पर नचाएंगे, ऐसे घूमेगा तो उसमें वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि घूमेगा तो, है ना। उसी तरह से यहां पर भी सर्कुलर मोशन है, पाथ घूमेगा, सर्कुलर पाथ पर पार्टिकल घूमेगा, ऑब्जेक्ट घूमेगा, तो यहां भी एक ओमेगा होगा। अगर ओमेगा समय के साथ साथ कॉन्स्टेंट है, यानी ओमेगा इस कॉन्स्टेंट में, ओमेगा इज कॉन्स्टेंट, और ओमेगा का नाम क्या है, एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी, याद रखिएगा, बार बार पीछे लिख चुके हैं इसलिए बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता है। तो ओमेगा इज कॉन्स्टेंट, और यहां होगा ओमेगा चेंज विथ टाइम, चेंज विथ टाइम, समय के साथ साथ बदले, यही दोनों में अंतर है। यानी कि बात सुन लीजिए, जब पंखा चालू किए शुरुआत में, तो पंखा धीरे धीरे अपना रफ्तार बढ़ाने लगा, बढ़ाते बढ़ाते क्या, दो चार घंटा में इतना तेज चलने लगता है आपका छत लेके उड़ जाता है, कि आफ्टर 10 सेकेंड 50 सेकेंड उसका रफ्तार जो होता है फिक्स हो जाता है, अब उतना ही रफ्तार से घूमते रहता है। तो वह जो हुआ आपका क्या हुआ, यूनिफॉर्म मोशन हो गया, अनयूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन हो गया। लेकिन शुरुआत में जो स्पीड बढ़ रहा था उस समय वो क्या था, आपका नॉन यूनिफॉर्म था। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए और तब जाके बात मजा आएगा, है ना। यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन
और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं जो, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर, ओमेगा चेंज विद टाइम, ओमेगा इज कांस्टेंट, है ना। अब देखिए ओमेगा कांस्टेंट होगा तो अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा इज जीरो, ये जीरो होगा। जबकि इसमें क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा प्रेजेंट प्रेजेंट होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा, इस बात को समझ लीजिए। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा क्या होगा, आपका प्रेजेंट होगा। अब देखिए इसमें प्रेजेंट नहीं होगा तो इसमें जो होता है, अब यहां पर एक होता है ऐसे टेंजेंट की ओर वेलोसिटी जो होगा, देखिए टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, जब आप सर्कुलर मोशन चलिएगा तो जो वेलोसिटी होगा ऑलवेज टेंजेंट की ओर होगा, मतलब इस पर ये रेडियस पर परपेंडिकुलर होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंटियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जबकि इसमें लिखिएगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंटियल वेलोसिटी चेंज विथ टाइम, चेंज विथ टाइम, समय के साथ साथ बदलेगा। यानी कि यहां पर एक वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो यहां पर होगा ओनली वन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन प्रेजेंट, यहां सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा और वह होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा और वह एसी का फॉर्मूला होगा आर ओमेगा स्क्वायर या वी स्क्वायर बाई आर। कई सारी फॉर्मूला कहां से आया, तो फॉर्मूला आज का आज अभी डेराइव करेंगे। पहले हम क्या बोले, टर्म सिखा रहे हैं कि दोनों में टर्म में अंतर क्या है, कैसे सर्कुलर मोशन में अंतर हो जाता है, उस बात को पहले समझ रहे हैं, ठीक है। तो जरा गौर से देखिएगा इसमें क्या होगा, टू टाइप ऑफ एक्सेलरेशन प्रेजेंट, टू टाइप ऑफ एक्सेलरेशन प्रेजेंट, पहला आपका सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और वह सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एसी बराबर होगा वी स्क्वायर बाई आर या आर ओमेगा स्क्वायर। दूसरा जो प्रेजेंट होगा टेंजेंटियल एक्सेलरेशन, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन, और वह एटी का जो फॉर्मूला होगा ना वो डीवी बाई डीटी होगा, ऐसा फॉर्मूला होगा हमेशा। यानी कि ये फॉर्मूला जो होगा डीवी बाई डीटी होगा टेंजेंटियल का, और सेंट्रीपिटल का वी स्क्वायर बाई आर या आर ओमेगा स्क्वायर होगा, इस बात को समझ लीजिए। अब होगा किधर किधर, उस बात को यदि समझना है तो यहां पर एक फिगर बना देते हैं, यहां पर यहीं पर फिगर बनाते थे कि ध्यान से समझिएगा अच्छी तरह से, है ना। यहां पर जब ऐसे पार्टिकल घूमेगा तो यहां पर एक वेलोसिटी जो भी होगा वो समय के साथ साथ बदलेगा, और ये वेलोसिटी समय के साथ साथ जब बदलेगा, ये वेलोसिटी जब समय के साथ साथ बदलेगा तो इसका इक्वेशन दिया रहेगा आपको एग्जाम में क्वेश्चन में समझने के लिए, जैसे दिया रहेगा टू टी स्क्वायर, टू टी, फाइव टी, इस तरह से ट्वाइस टी स्क्वायर दिया रहे या टू टी दिया रहे, तो समझ लीजिए कि इसका स्पीड समय के साथ साथ बदल रहा है।
और एक सेंटर की ओर एक्सेलरेशन होगा जिसको सेंटीपीटल कह रहे हैं। और जब अगर इधर टाइम के साथ साथ बदलने लगे, जबकि इसमें जो है इधर होगा ये टू होगा, सिर्फ टी नहीं होगा, बात समझ लीजिए। यूनिफॉर्म मोशन में टेंजेंटियल स्पीड का वैल्यू दिया रहेगा 2 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म वाले में दिया रहेगा 2t² या 3t या समथिंग इस तरह से दिया रहेगा, वो होगा नॉन यूनिफॉर्म। जब नॉन यूनिफॉर्म होगा तो इधर एक एक्सेलरेशन और प्रेजेंट होगा जिसको कहते हैं टेंजेंटियल एक्सेलरेशन, और उसका फॉर्मूला ये है। अब बताइए इस मोशन में दो आपका एक्सेलरेशन हो गया, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इधर की ओर होगा, ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका, कौन होगा ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, ए आर हो जाएगा रिजल्ट। तो ए आर जो होगा आपका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, ए आर जो होगा आपका वो अंडर रूट होगा ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर होगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम जो कहना चाह रहे हैं उसको बात को समझिए। यहाँ पर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो होगा आपका ए सी का स्क्वायर होगा प्लस ए टी का स्क्वायर होगा। तो ये था आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डिफरेंस, अंतर, जो कि हर हाल में आपको समझ के रखना है, बस इतना ही याद रखिए। टर्म को याद होना चाहिए तब आगे समझ में आएगा। तो जल्दी से हम आपको एक दो मिनट का टाइम देते हैं, तो फॉर्मूला याद हो गया आप लोगों, किन्हीं को कुछ पूछना है तो बोलिए, बोलिए जल्दी से, किन्हीं को भी कुछ पूछना है तो बोलिए। टेंजेंशियल, टेंजेंशियल क्या, क्वेश्चन पूरा बोलिए। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के पास क्या लिखे, मतलब एसी लिखा हुआ है क्या, एसी इक्वल्स टू डीवी बाय डी, एटी एटी एटी, टेंजेंट का मतलब एटी और एसी मतलब सेंटीमीटर। और कोई काउ जो है अभी को है तो पूछिए, बोल दीजिए जल्दी से। सर इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो कैसे होगा, उसमें प्रेजेंट कैसे होगा, क्या चीज एंगुलर एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म में जीरो होगा एंगुलर एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म में प्रेजेंट होगा कैसे। एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी तो चेंज नहीं कर रहा है ना, जैसे कि आपका एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो कब होगा यूनिफॉर्म में उसकी बात कर लेते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा बराबर होता है डी ओमेगा बाई डी टी, यही होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म जब होगा तो ओमेगा तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा। यस सर। और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो ओमेगा समय के साथ साथ बदलेगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रेजेंट रहेगा। आई बस समझ में। यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। अभी देखिए अब हम लोग इसमें और भी कुछ टर्म है, जैसे टाइम पीरियड चक्कर मारेगा ना, एक चक्कर दो चक्कर तीन चक्कर, तो एक टर्म होता है टाइम पीरियड। तो देखिए टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड टी यानी टाइम taken to complete, time taken to complete one revolution या rotation is known as time period. Time taken to complete one revolution or rotation को हम लोग क्या कहते हैं, time period कहते हैं। और इसका SI unit तो क्या होगा, SI unit इस सेकेंड ही हो जाएगा इसका टाइम पीरियड का। एक होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी को या तो एफ से या तो एन से डिनोट रहता है कहीं कहीं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन एक सेकेंड में कितना बार चक्कर मारा उसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन और रोटेशन, रोटेशन पर सेकेंड है ना, उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं।
लेकिन फ्रीक्वेंसी जो होता है, एक पॉइंट में याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, यानी फ्रीक्वेंसी जो होगा टाइम पीरियड का उल्टा होगा, और इसी का एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ एफ इज क्या होगा, सेकेंड माइनस वन, क्योंकि टाइम का सेकेंड, और इसी को हर्ज कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, हर्ज कहते हैं। तो ये तो आपके लिए बहुत बेसिक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें क्या पूछना है, फिर आगे बढ़ जाएंगे। अब आते हैं मेन चीज पर, धीरे धीरे टर्मिनोलॉजी समाप्त हो रहा है ना, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए आगे बात बढ़े, तो आगे बात अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो देखिए क्या होगा, उस बात को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर अगर गौर से बात समझिएगा, अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिएगा, तो देखिए क्या होगा, उस बात को समझ लीजिए, है ना। देखिए यहां पर अब सर्कुलर मोशन में हम लोग को पढ़ना है एक्चुअली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या पढ़ना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो सबसे पहले उसी का बात करना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहले समझेंगे, लिखेंगे नहीं, लिखने का काम बाद में कीजिए। देखिए पहले एक बार समझ लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, और जब लिखने की बारी आए ना तो एक बार YouTube से वीडियो चालू कर लीजिए, समझते जाइए आप, फिर लिख लीजिए। यानी कि एक चीज को दो बार पढ़ लिए तो दो बार तो सही पूरा हो गया, तो आपको याद हो जाएगा आधा ज्यादा चीज, है ना। लिखने का काम अभी बिल्कुल नहीं कीजिए, बस इतनी सोच लीजिए, अभी समझिए, सुनिए, स्क्रीन शॉट रखिए, थोड़ा बहुत पॉइंट लिखिए जो बोलते हैं, ऐसे यूट्यूब पर डालेंगे तो जो बोल रहे हो तो आवाज फिर रहेगा ही दोबारा, उस समय चालू करके जब लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा ना, तो उस समय ज्यादा बात समझ में आएगा, या फिर कोई क्वेश्चन अराइज हो जाए उस समय तो उसको लिख लीजिए बगल में, और फिर से हमसे अलग से कॉन्टेक्ट करके पूछ लीजिए, है ना, वो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए और आपको ज्यादा फायदा भी करेगा वो। देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो हम बात कर रहे हैं, यहां से ऐसे बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा छोटा और बनाना है, ज्यादा बड़ा बन गया था। देखिए ये है आपका सर्किल है, एक पार्टिकल जो है, ये देखिए हम डॉटेड लाइन बना रहे हैं, सब डॉटेड लाइन है, ये यहां से ये भी डॉटेड लाइन है, ये सर्किल का सेंटर है, सेंटर ऑफ सर्किल है ये, यहां से कोई पार्टिकल चलना शुरुआत किया आफ्टर टी टाइम, यानी पी पॉइंट से चलना शुरुआत किया, और पार्टिकल है वो टी टाइम के बाद यहाँ पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, इस पोजिशन पर पहुंच गया, यानी टी टाइम में वह पार्टिकल जो है आपका थीटा एंगल मेजर कर लिया, कितना एंगल थीटा, यानी कि इसमें हम लिखेंगे अ पार्टिकल स्टार्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैविंग एंगुलर स्पीड ओमेगा, हैविंग एंगुलर स्पीड ओमेगा, अ पार्टिकल स्टार्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैविंग एंगुलर स्पीड ओमेगा फुल स्टॉप, इट कवर एंगल थीटा एट सेंटर इन टाइम टी में सेंटर पर ये एंगल थीटा कवर कर लिया है, इस बात को समझ लीजिए। यहां आर जो है वह रेडियस है,
आर जो है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है, बस समझ लीजिए। तो हम लोग ये निकालना चाहते हैं कि एट टाइम टी, टी टाइम तक चल दिया, तो एट टाइम टी के बाद उसका एंगुलर पोजीशन क्या है, यानी पोजीशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ सर्किल। यानी कि हम निकालना चाहते हैं, वी वांट टू फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी वी वांट टू फाइंड पोजिशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्किल, फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्किल या सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ जो लिखना है लिखिए। यानी कि एक बात इंडिकेट किए हैं, जरा इस पर गौर कीजिएगा, सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ याद कीजिएगा, क्या याद कीजिएगा भाई, तो गौर से सुन लीजिए, आज के बाद कभी भी जब सर्कुलर मोशन की बात होगी, किसकी बात होगी, सर्कुलर मोशन की बात होगी, आज के बाद जब भी कभी सर्कुलर मोशन की बात होगी ना, तो क्वेश्चन बनाते समय, थ्योरी सोचते समय, कंसेप्ट समझते समय, आप अपने आप को सर्कुलर मोशन के लाइन का जो सेंटर होगा ना, वहां पर बैठ करके स्टडी कीजिएगा, यानी जो भी चिंतन मनन करना है क्वेश्चन के बारे में, उसमें अपने आप को कहां पाइएगा, सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ पर, तब जाके आपसे क्वेश्चन इजी वे में बनेगा। यानी क्वेश्चन माने का हम टेक्निक बता रहे हैं, सेंटर ऑफ, इसीलिए पॉइंट लिख दिए यहाँ पर, वी वांट टू फाइंड पोजिशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्किल। तो पोजिशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, यानी पोजिशन जो होगा, पोजीशन को आर वेक्टर से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट से। अब याद कीजिए, जिधर से एंगल सट जाए उधर कॉस कंपोनेंट, अगर ये पार्टिकल रेडियस आर है तो इधर कॉस कंपोनेंट कहां पर, तो देखिए हम एक लाइन बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, देखिए हम यही रेड से लाइन बनाए हैं, ध्यान से देखिएगा। अब इस सेंटर ऑफ सर्किल से इस पॉइंट पी का एक्स में जो डिस्प्लेसमेंट है और वाई में डिस्प्लेसमेंट, वो लिख रहे हैं एक्स में डिस्प्लेसमेंट ये वाला हुआ, तो एंगल इधर से कॉस, और वाई में डिस्प्लेसमेंट ये वाला हुआ, तो हो गया साइन, यानी कि आर कॉस थीटा आई कैप और आर साइन थीटा जे कैप होगा। इसका डेरिवेशन याद करना बहुत जरूरी है, नीट 2 से 3 बार इसके डेरिवेशन से क्वेश्चन पूछ चुका है, ये वाला डाटा देख करके, समझ रहे ना, डेरिवेशन फॉर्म अलग तरह से पूछ देता है। तो हम पोजीशन निकाल लिए, अब इसके बाद पोजीशन मतलब हम टी टाइम पर इस पार्टिकल का पोजीशन निकाल लिए कितना होगा। अब यहाँ पर 2 पॉइंट मानना है, कौन कौन पॉइंट मानना है, तो एक पॉइंट इधर मानना है, क्या मानना है इधर, तो इधर ई और आर मानना है, रेडियस के लॉन्ग लाइन इसलिए ई आर माने हैं, और टेंजेंट के लॉन्ग एक लाइन मानना है ये इधर, और इधर जब टेंजेंट के लॉन्ग एक लाइन मानना है ये बाई एक्सिस है इधर, तो इधर लिखेंगे ई ई और टी, ई टी लिखेंगे, टेंजेंट देख लीजिए ध्यान से, ई टी लिखा हुआ है, आप लोग को दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है ना कि ई टी लिखे हैं, जो अच्छे से दिख रहा है, ई टी लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ई टी लिखा हुआ है ये। अब जरा गौर कीजिए, ये एंगल थीटा है, तो यहां पर एक और लाइन हॉरिजॉन्टल बना दीजिए, तो ये दोनों पैरेलल लाइन हो गया, तो ये ट्रांसवर्सल का काम किया, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, इस बात की फुल गारंटी है, देख लीजिए ध्यान से। और अब यहां पर ये एंगल थीटा हुआ, तो ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये बाई एक्सिस है, ये एक्स है, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा, कौन एंगल, ये एंगल थीटा हो जाएगा, इस बात को समझ लीजिए। यहां तक बात समझ में आया कि नहीं आप लोग को, एंगल एंगल ध्यान से देखिए, एंगल का खेल है, बस इतना ही सोच लीजिए। अब एंगल जब समझ में आ गया,
तो यहाँ मानेंगे लेट क्या ई आर इज द ई आर एंड ई टी आर द यूनिट यूनिट रेडियल वेक्टर यूनिट रेडियल वेक्टर यूनिट रेडियल वेक्टर एंड यूनिट टेंजेंटियल वेक्टर टेंजेंटियल वेक्टर रिस्पेक्टिवली रिस्पेक्टिवली क्रमबद्ध तरीके से। मतलब कि हम ये मान लिए कि ये जो है सारा यूनिट वेक्टर है, देखिए हम ऐसे एकदम आराम से इसको घेर दिए हैं, यानी कि हम अभी तक क्या माने सुन लीजिए फिर से एक बार सारांश में समझ लीजिए तो ज्यादा बात आपको समझ में आएगा। हम अभी तक क्या माने हैं उसको अगर समझने की आप कोशिश करते हैं तो जरा ध्यान से समझने की कोशिश कर ही लीजिए आप अच्छे तरह से। हम ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्टार्ट हुआ, यहां से जब ये चलना शुरुआत किया सर्कुलर मोशन में तो P पॉइंट से T टाइम में ये यहां पर पहुंच गया, देख लीजिए बात ध्यान से समझ लीजिए। तो हम ये निकालना चाहे पार्टिकल स्टार्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैविंग एंगुलर स्पीड ओमेगा, इट कवर एंगल थीटा एट सेंटर इन टाइम टी, ये टी टाइम में सेंटर पर थीटा एंगल कवर कर लिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट उसका हो गया। आर है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ का रेडियस है। हम लोग चाहते हैं वी वांट टू फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ के सेंटर से हम ये निकालना चाहते हैं कि टी टाइम पर पार्टिकल कहां पर है, उसका पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट। तो हम इसको क्या किए, इस पार्टिकल को इधर एक वाई और एक एक्स ड्रॉ कर दिए। अब आपको पता है अगर पार्टिकल यहाँ है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट ये होगा, वाई कोऑर्डिनेट ये होगा। तो डिस्प्लेसमेंट अगर लिखिएगा तो बीच में है तो वही लिखे हैं आर कॉस थीटा आई कैप आर साइन थीटा जे कैप लिखे हैं। इसके बाद माने दो यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड वन हो, वह यूनिट वेक्टर एक जो है आपका रेडियस केलोंग है, एक किधर है आपका रेडियस केलोंग है, इसलिए रेडियल यूनिट वेक्टर माने हैं इसको, और एक टेंजेंट की ओर है इसलिए उसका नाम यूनिट टेंजेंटियल वेक्टर हो गया। इतना चीज माने हैं रिस्पेक्टिवली। यहां तक में अगर आप लोग को कोई कष्ट है तब बोलिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे फट से। बोलिए जल्दी से सर, वहां पे एंगल में कष्ट है। क्या कष्ट है एंगल में ये बताइए, कष्ट क्या है ये बताइए, कष्ट है वो नहीं बोलिए, कष्ट क्या है ये बोलिए, प्रश्न बोलिए। पे ईटी कैसे हुआ, ईटी माना हुआ चीज है, बोले है ना कि लेट माने हैं ईटी। देखिए हम फिर से बोल देते हैं, ध्यान से आती है ज्योमेट्री को थोड़ा ठीक कर लीजिए, एंगल में कोई कष्ट नहीं, एंगल हम फिर से समझा देते हैं, ये दोनों पैरेलल लाइन हो गया, समानांतर रेखा हो गया, जब पैरेलल लाइन में कोई ट्रांसवर्सल होता है तो ये एंगल को क्या कहते हैं, नाम बताइए आप नीतीश कुमार, दो पैरेलल लाइन में इस एंगल को और इस एंगल को क्या कहते हैं, नाम बोलिए जल्दी से, ट्रांसवर्सल, और कोई बोलिए, कोरेस्पोंडिंग और एंगल क्या होता है, सेम होता है कि नहीं दोनों कोरेस्पोंडिंग एंगल, ये बताइए। यस सर, जब सेम होता है तो इसीलिए हम इस एंगल का नाम दे दिए हैं सर, मीटिंग एंड। हाँ अब ये बात ये समझ लीजिए कि यहाँ से इस पर एक 90 डिग्री पर एंगल है, ये वाला लाइन रेड वाला और इसको मिला करके, तो अगर ये थीटा तो 90 माइनस थीटा हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया। अब बताइए कि ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये अगर ये रेडियस है और ये टेंजेंट है तो रेडियस और टेंजेंट में हमेशा 90 डिग्री होता है, मैथ में पढ़ना है, तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, एंगल में कहाँ कोई कन्फ्यूजन है, वो ज्योमेट्री है ना, मैथ के साथ धोखा अच्छा नहीं होगा, और अभी भी आप लोग हमको धोखा दे रहे हैं बहुत लोग, एक बार बस मेरा सिनेमा देख लेते हैं कहानी खत्म, हम बोले ना तीन चार बार देखिए, अभी तो कलम कॉपी बिल्कुल मत लिखिए, एकदम रात में और हर एक दिन रात में होमवर्क कीजिए तब सोइए कसम खा करके। देखिए अब हम माने हैं
तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड वन है तो ई आर बराबर क्या होगा वो लिखते हैं। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड वन है, मैग्नीट्यूड वन है लेकिन जिधर से एंगल सटा उधर कॉस कंपोनेंट, यानी ई आर बराबर होगा कॉस थीटा आई कैप और साइन थीटा जे कैप होगा। ये समझ में आ गया बात, कैसे लिखे जो वेक्टर के मीटर से जिधर से एंगल सट गया उधर कॉस, जिधर नहीं सटा उधर साइन। अब देखिए ईटी वाला का बाई के साथ एंगल सटा हुआ है तो ईटी वाले को कैसे लिखिएगा, साइन सॉरी कॉस थीटा जे कैप, कॉस थीटा जे कैप लिखिएगा क्योंकि इसका इधर के साथ एंगल सटा और ये सेकंड क्वाड्रेंट का वेक्टर हो गया तो इधर चला गया तो माइनस साइन थीटा आई कैप हो गया। देखिए अब वेक्टर ऊपर सब यूज में आएगा, इसीलिए बोलते हैं कि फिजिक्स में सही तरीके से यानी सही तरीके से पढ़ना चाहिए। अब बीच में आइएगा तो कुछ ना कुछ तो कष्ट होगा, यहाँ थ्योरी में ही कष्ट है, इतना सारा टर्म लिखा गया। अब इसके बाद क्या है करना वो समझिए, हमको पोजीशन मालूम है इसलिए निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल एट टाइम टी, मतलब जब ये घूमना शुरुआत किया तो टी टाइम में उसका पोजीशन निकाल लिए हैं, ये पोजीशन निकाल लिए हैं, ये क्या निकाल लिए पोजीशन, इसको घेर देते हैं थोड़ा सा, ये पोजीशन निकाल लिए, पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमको मालूम है, कौन सा वेक्टर मालूम है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मालूम है हमको और हमको वेलोसिटी निकालना है। वहां पर वो नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि थीटा और थीटा रहता तब कॉस का माइनस साइन और साइन का कॉस होता है, यहाँ थीटा है यहाँ टी है, चेन रूल लगाना पड़ेगा, बन गया प्रियांशी, बन गया आपसे सर बना रहे हैं। हाँ चलिए बना के बताइए जल्दी से, यस राज आप भी बताइए। माधुरी सब भूल गए इतना, माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी थ्री। चलिए ठीक है आपका, गौरव आप हाथ उठाए हुए हैं बोलिए जल्दी से, क्या कुछ पूछना है, बोलना था सर आंसर। हाँ बोलिए ना तो आंसर, माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी उसका होगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। अच्छा ठीक है, देखिए हम भी एगो बात समझा देते हैं आप लोगों को, तो अभी तुरंत हिंट में इसको रखिएगा। देखिए डी हम एक का बताते हैं, डी कॉस इधर थोड़ा नीचे लिखते हैं, अभी यहाँ लिखते हैं डी कॉस थीटा बाई डी टी है, इसका तो डिफ्रेंसिएशन होगा नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे डी कॉस थीटा रहने देंगे और डी थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, इसी को तो हम लोग कहते हैं चेन रूल, इतना बात समझ में आता है। अब देखिए कॉस थीटा और डी थीटा आ गया तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होगा, ये बात आपको समझ में आता है अच्छी तरह से कि नहीं आता है, बोलिए जल्दी से। आता है सर। आता है, और डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू क्या होता है ये बताइए आप, फॉर्मूला डी थीटा बाई डी टी फिजिक्स में अभी अभी पढ़े हैं कि ओमेगा, तब इसीलिए ना पहले हम डिफरेंशिएशन पढ़ाते हैं तो ये वाला टर्म दिए थे, याद कीजिएगा कि माइनस ओमेगा साइन थीटा इसका आंसर हो जाएगा, और इसीलिए इस तरह का चेन रूल पढ़ाए थे। ये है आपका हिंट में, देखिए जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ाते हैं ना, यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिए अपलोड किए हुए हैं, हम जब भी एग्जाम्पल देते हैं तब मैथ वाला से हट के फिजिक्स वाला एग्जाम्पल दे देते हैं बार बार, क्योंकि आपको याद रहे बात, ये हिंट में था, तब हिंट में था तो इसको आगे बढ़ाते हैं यहाँ से। आर आई तो होगा ही हर हाल में, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा अभी अभी देखें, माइनस ओमेगा साइन थीटा, माइनस भी होगा ओमेगा भी होगा और साइन थीटा भी होगा और आई कैप भी होगा। अब इसका देखिए साइन का उसी तरह से क्या होगा, और जे हो जाएगा, अब भी बराबर जब वेक्टर फॉर्म है सभी जगह, अब आर ओमेगा कॉमन ले लीजिएगा तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा माइनस साइन थीटा आई कैप,
और बच जाएगा कॉस थीटा जे कैप। अब जरा गौर कीजिए, यह वाला वैल्यू क्या है, यह वाला वैल्यू देखिए ये है माइनस साइन थीटा आई का कॉस थीटा जे कैप, ये वाला वैल्यू है। इसका मतलब वेलोसिटी जो हो गया आर ओमेगा हो गया, और ये यूनिट वेक्टर है, इन सभी को मिला के मैग्नीट्यूड वन है, और उसका वैल्यू है ई टी यूनिट वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड वन, और टी मतलब टेंजेंट। एक बात बताइए, जब अभी मोशन स्टार्ट हुआ था तो हम आपको बोलने गए थे कि वेलोसिटी किधर है, ये तो बताने नहीं गए, लेकिन ये प्रूफ करके दिखा दिया आपको कि वेलोसिटी जो होगा वह हर हाल में टेंजेंट की ओर ही होगा। दिस इज द प्रूफ, हर हाल में वेलोसिटी टेंजेंट की ओर होगा, जिसका मैग्नीट्यूड आर ओमेगा होगा। इसके पहले अभी शॉर्टकट मेथड ट्रिक वाला बताए थे, जिसमें भी आर ओमेगा निकाल दिए थे डायरेक्ट फट से एक सेकेंड में, और यहाँ पर आर ओमेगा निकालने के लिए देखिए कितना बड़ा डेरिवेशन हमको करना पड़ा। अब बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो है ना, बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, यानी कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि हम डेरिवेशन करके आपको प्रूफ कर दिए, अब इस बात को आप काट नहीं सकते, इसी को कहते हैं फिजिक्स में थेसिस, है ना। अब इस बात को, इस दलील को आप काट नहीं सकते मैथमेटिकली, अब हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में हर हाल में लीनियर वाला जो होगा टेंजेंट की ओर ही होगा, आप उसको आप नहीं आपत्ति कर सकते इधर से उधर। और यह बात जानते कौन प्रूफ किया था, न्यूटन ने, आज से 400 साल पहले। सोच लीजिए कितना दिमाग लाया होगा, जब दुनिया में फिजिक्स नाम का कोई चीज नहीं था उस समय वो ऐसा ऐसा काम करता था। हम तो सोचते दो चार को न्यूटन ऐसा भी दुनिया में आ जाए, खासकर भारत में आ जाए, जिस दिन आ जाएगा उस दिन इंडिया सबसे टॉप हो जाएगा, है ना, इकोनॉमी में भी, क्योंकि रिसर्च के बल पर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो बात को समझ लिया, अब इसमें आपको आइसोलेशन भी निकालना है, क्या निकालना है, आइसोलेशन भी। तो अब तो जगह मेरे पास है नहीं, एक बार आप स्क्रीन शॉट लीजिए, उसके बाद हम जगह बना लेते हैं। एक बार स्क्रीन शॉट लीजिए, उसके बाद जगह बना लेते हैं हम। चलिए आप ले भी लिए होंगे, और नहीं तो फिर यूट्यूब पर तो सब ऐसा ही, जैसे आपको बता रहे हैं वैसे ही सब लिखा हुआ रहेगा। हम ज्यादा कुछ नहीं मिटाएंगे, हम इधर वाला पार्ट मिटाएंगे, है ना। यानी कि बात को समझने के लिए जब आइसोलेशन की बात करेंगे तो आपको पता है कि आइसोलेशन ऑफ पार्टिकल जो होगा यूनिफॉर्म मोशन में, पार्टिकल ए बराबर आप लिखिएगा डीवी बाई डीटी, यानी वेलोसिटी बटा टाइम लिखिएगा, वो सभी लोग को पता है, लेकिन वेलोसिटी का फॉर्मूला ये आया है, ये वाला आया है, इसको पुट किया तो इसको भी पुट करना पड़ेगा, जब इसको पुट कीजिएगा तो ये वाला वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ये वैल्यू में गुना भाग कीजिएगा तो ये वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो हम ये वाला क्यों पुट करें, ये वाला क्यों पुट करें, हम यही वाला क्यों नहीं पुट कर देते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन में हमको आसानी पड़ेगी, यानी डीवी बाई डीटी होगा, ये बात समझ रहे हैं। अब एक्सेलरेशन में जब पुट करेंगे तो डी, और आपको पता है ना कि प्लस माइनस से सेपरेटेड टर्म को बारी बारी से डिफरेंशिएशन किया जाता है, तो यहां से ये अलग टर्म है, यहां से अलग टर्म है, तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, यानी लिखेंगे माइनस आर ओमेगा साइन थीटा आई कैप बाई डी टी प्लस डी आर ओमेगा कॉस थीटा जे बाई डी टी, ऐसे लिखेंगे। देख लीजिए ध्यान से, एकदम बात को समझने की कोशिश कीजिए, एकदम गर्दा हो जाएगा, समझ लीजिए। अब यहाँ कांस्टेंट माइनस आर ओमेगा को पहले बाहर कर लीजिए, बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप करेंगे, एक स्टेप ज्यादा लिखना पड़े कोई बात नहीं है, एक स्टेप ज्यादा लिखेंगे, आई भी बाहर निकाल लेते हैं, डी साइन थीटा बाई डी टी लिखेंगे प्लस आर ओमेगा जे कैप बाहर निकाल लेते हैं डी कॉस थीटा बाई डी टी लिखेंगे। फिर से वही बात, अभी आपकी ये है कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस ओमेगा आया था और साइन का ओमेगा कॉस आया था, तो ए बड़ा लिखिएगा तो एक ओमेगा और बाहर निकलेगा, एक ओमेगा और बाहर निकलेगा तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा कि नहीं, सुन लीजिए, एक ओमेगा इसका और बाहर निकलेगा, क्योंकि देखिए इसके बदले ओमेगा आ रहा था,
तो होगा माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन का कॉस थीटा इंटू आई कैप, और फिर इसमें भी ओमेगा एक बाहर निकलेगा माइनस, तब माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा जे कैप। अब आप क्या कीजिए, ए को ए में माइनस आर ओमेगा स्क्वायर दोनों में है, कॉमन ले लीजिए माइनस आर ओमेगा स्क्वायर को, और कॉस थीटा आई कैप और प्लस साइन थीटा जे कैप बच गया। ये वाला भी लगता है यूनिट वेक्टर है, देखिए इधर रेडियल वाला यूनिट वेक्टर है, रेडियल वाला। यहां तो गजबे हो गया, गजबे क्या हो गया कि हम ER को बाहर की ओर माने थे, ER देखिए बाहर की ओर माने थे रेडियल यूनिट वेक्टर को, देख लिए ध्यान से बाहर की ओर रेडियल यूनिट वेक्टर माने थे, और आंसर जब निकल के आया तब माइनस साइन आ गया। कहा कि एक्सेलरेशन जो होगा ना बाहर की ओर नहीं होगा, एक्सेलरेशन जो होगा वो अंदर की ओर होगा, आर ओमेगा स्क्वायर ई आर होगा, यानी एक्सेलरेशन बाहर की ओर नहीं अंदर की ओर होगा। देखिए प्रूफ है, इसको आप काट नहीं सकते, मैथमेटिकली प्रूफ है, इसको आप झूठा साबित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब प्रूफ हो गया तो जब एक्सेलरेशन बाहर की ओर हम ER माने थे तब कह रहा माइनस साइन के अंदर की ओर है, इसलिए इसका नाम पड़ गया सेंटर के तरफ के एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसीलिए इसका नाम पड़ा था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसीलिए इसका नाम पड़ा था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बात समझ में आया, एक्सेलरेशन किधर हो गया, सेंटर की ओर हो गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसका नाम पड़ गया, इधर वाला बाकी चीज तो हम तो देख ही चुके थे। देखिए अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम कैसे बदलेगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में देखिए दो चीज आ गया, इसको अब एसी लिखेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एसी बराबर हो गया आपका मैग्नीट्यूड की अगर बात करेंगे तो आर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में, और वी इक्वल टू आर ओमेगा भी है, तो ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर होगा, देख लीजिए ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर होगा, वी इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर, यहां पुट कीजिए तो एसी बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यानी वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, यानी कि दोनों फॉर्मूला जो है आपका सेंट्रीपिटल यानी सेंटर की ओर लगने वाला एक्सेलरेशन है, इस बात को समझ लीजिए। यानी कि जैसे ही सर्कुलर मोशन में आप जाइएगा गोलंबर के पास, जैसे ही आप टर्निंग लेने लगिएगा तो आप पर वो अपने आप एक्सेलरेशन आ जाएगा सेंटर की ओर, तो बचने के लिए अपना साइकिल सेंटर की ओर झुका लेते हैं। याद कीजिए बाइक हो, स्कूटी हो, साइकिल हो, जो भी हो, सब में हम लोग झुका लेते हैं, क्यों, ड्यू टू दिस फेनोमेना। इस फेनोमेना को सोचिए न्यूटन उस जमाने में कैसे समझा होगा, उस जमाने में तो बाइक भी नहीं थी, उस जमाने में साइकिल था, साइकिल जानते कौन सा साइकिल था, पता है आप लोग को, नहीं पता है, उस जमाने में जो साइकिल चलता था उसमें टायर नहीं होता था, ट्यूब नहीं होता था, टायर ट्यूब, क्योंकि उस जमाने में पॉलीमर बना ही नहीं था, पॉलीथीन बना ही नहीं था, तो कैसे हो जाता आप ही सोचिए अब, है ना, तो उस जमाने में कैसा साइकिल रहता होगा जो सर्च करके देख लीजिएगा आप लोग, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सर्कुलर मोशन की अभी आज शुरुआत थी, आज का कंसेप्ट ए टू जेड, वीडियो को चार बार देखिए, पांच बार देखिए, आधे घंटे में अपलोड कर रहे हैं इसको हम, लेकिन इतना समझ के रखिए कि अगले क्लास में जब फेनोमेना और एस सी वर्मा सब लोग लेके बैठिएगा, साथ साथ क्वेश्चन करवाएंगे अगले क्लास में, एकदम धमाल हो जाना चाहिए, एस सी वर्मा का क्वेश्चन आपसे अपने से बन जाना चाहिए, तब हम समझेंगे कि मेरा बात आप समझ लिए हैं और दो तीन बार थ्योरी को पढ़ लिए हैं तीन चार बार। हाँ, अगर जो पढ़ के रहिएगा उनसे बनेगा फुल गारंटी, नहीं पढ़ के रखिएगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा ये गारंटी हम नहीं दे सकते हैं, है ना, इसलिए बात को समझ लीजिए। और आज अब क्लास यहीं तक बंद करते हैं, यानी अगला क्लास कब होगा, परसों। देखिए ध्यान से सुन लीजिए, क्लास के बारे में अगर दिक्कत होता है तो एक बात समझ लीजिए, ये वाला जो है ना क्लास, मतलब कि सर्कुलर मोशन लाइव तीन दिन चलेगा, सुबह डेली चलता है आप लोग के लिए, सुबह डेली चलता है, एक अल्टरनेट में लाइट चलता है, एक अल्टरनेट में हीट थर्मोडायनेमिक्स चालू किए हैं,
और ये वाला चलता है। हम सोच रहे हैं कि आप लोग घर में जो बैठे रहते हैं, आने जाने का जो समय बचता है ना, उसका यूज करके आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ा दें और दोबारा हम ही पढ़ा दें। अपने से तो रिविजन होगा नहीं आप लोग को, फिर इसमें दोबारा तिबारा चौबारा फरवरी मार जाते थे, 10-20 बार पढ़ा दें हम ही, आपको याद करवा देंगे सब कुछ कर, है ना, जेई मेन लेवल तक। तो आज अब स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा आराम से एकदम सर, ले लीजिए अच्छे से ले लीजिए सर। हाँ बोलिए ना, कल का क्लास हम लोग भी ज्वाइन करेंगे, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं। हाँ एकदम, हर हाल में ज्वाइन करना है। थर्मोडायनेमिक्स नया चैप्टर चालू है, उसका वीडियो आज देख करके ज्वाइन करना है। वीडियो में जितना टर्म पढ़ाए वर्क डन ये सब सब केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं सर, सुबह वाला वीडियो डाल रहे हैं, एकदम डाल दिए हैं सुबह वाला वीडियो डाल दिए हैं, 1.5 घंटा हो गया होगा। ठीक है सर, सब लोग सब्सक्राइब करके रखिए, अपने आप वीडियो चला जाएगा, है ना, बार बार हमसे मत मांगिए वीडियो। हाँ सर सब्सक्राइब किए वो, ठीक है, और 10-20-50 गो से आप लोग भी करवा लीजिए, ठीक है, इतना बार पढ़िए कि सब समझ में आ जाए, बस इतनी सोच लीजिए। जो भी कष्ट हो हमको बतलाइए, हम आपका कष्ट दूर करने की कोशिश जरूर करेंगे।